नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अरहान खान की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ेंगी रश्मि देसाई। न्यू ईयर के जश्न में छलकेगा रश्मि का दर्द। जब से रश्मि देसाई ने दोबारा बिग बॉस 13 में एंट्री की है, तब से ही रश्मि देसाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी अरहान खान की वजह से तो कभी सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से रश्मि देसाई को काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सलमान खान ने अरहान खान का सच रश्मि देसाई को बताया था। इससे पहले रश्मि देसाई को ये पता नहीं था कि अरहान खान शादीशुदा और एक बच्चे के बाप भी हैं। वहीं अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की, तो आजकल रश्मि देसाई को वो काफी टारगेट करते नजर आते हैं। बीते कुछ दिनों से सिट का निशाना केवल रश्मि देसाई पर ही है। तभी तो बीते एपिसोड में बहस करते करते सिद्धार्थ शुक्ला ने तो गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। हर कोई उस समय काफी चौंक गया जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि रश्मि देसाई उनका पीछा करते करते गोवा तक जा पहुंची थी। लगता है खुद पर लग रहे इल्जामों से अब रश्मि देसाई बुरी तरह से टूट चुकी है। तभी तो चाह कर भी खुद को रोने से नहीं रोक पा रही है। बिग बॉस के नए प्रोमो में आप देख सकते हैं, बिग बॉस 13 के नए प्रोमो में रश्मि देसाई अरहान खान के साथ कन्फेशन रूम में बैठी नजर आ रही। कन्फेशन रूम में रश्मि देसाई फूट फूट कर रोती दिख रही हैं। वहीं अरहान खान उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। रोते रोते रश्मि देसाई कह रही हैं कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूं, मैं अब थक चुकी हूं, मैं जाना चाहती हूं। रश्मि देसाई की यह खबर सुनकर अरहान खान उनको अपने गले से लगा लेते हैं और समझाते हैं। प्रोमो देखकर साफ पता चल रहा है कि रश्मि देसाई घर में हो रही घटनाओं से काफी परेशान है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में और भी ड्रामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।